आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, अधीर रंजन चौधरी इस वक्त भी बोल रहे लोकसभा में, ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उस वक्त खामियां थी, अभी कोई खामी ही नहीं है तो कैसे करे। हजारों हेक्टर भूमि हार कर आए थे तब जाकर चर्चा करी थी, क्या बात कर रहे हो, इस तरह से नहीं होता है। चर्चा कब हुई थी? हजारों हेक्टर भूमि हार कर आ गए थे तब जाकर चर्चा हुई है। क्या हुआ? 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई, आप नकार सकते, 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। अगर एक बार एक काम कीजिए ना, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आप चलिए ना लद्दाख में, हम देखना चाहते हैं। आपको हिम्मत है ले जाने के लिए? बताइए आप खुद को कहां छुपाना चाहते हैं? आप चीन को डरते हैं? अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा, किरण रिजिजू भाई आप सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा जोर क्षेत्र में पीएलए ने 18 जनवरी 2022 के 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर से 17 वर्षीय भारतीय मीरम तोरण को अपहरण कर लिया। भाजपा सांसद रिटार्डिंग, भाजपा सांसद श्री तपीर गांव ने भी ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को पीएलए द्वारा युवा लड़के भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। शुरू में कहा ऐसे बातें नहीं करना चाहिए जो रिकॉर्ड में चले जाए और बाद में गलत क्या है। मैं वही तो कह रहा हूं, जो चीजें अगर कोई किसी ने कह दिया, किसी ने लेख लिख दिया तो सच्चे है क्या? उसके बाद में अधिकारियों ने क्या अस्तित्वकरण दिया, क्लेरिफिकेशन किया दिया? बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट जितने भी आए हैं ये सही नहीं है, इस तरह से कोई हमारा जमीन नहीं गया। जब आर्मी बोल दिया, आप उससे पहले कोई जो कोट कर रहे कुछ बोले उसको आप कोट किए जा रहे, जब एजेंसी बता रहे। अधीर जी, इस तरह से ये सेंसिटिव मुद्दा है इस सदन में, ये सब जिसका कोई तर्क नहीं है। हम जब कहेंगे सेंसिटिव है, ऐसा बात मत, आप जब कहेंगे इनसेंसिटिव है, यही है ना बात। आप राहुल गांधी के खिलाफ गाली दोगे, आप राहुल गांधी जी को पाकिस्तान की दलाल बनाओगे, वो सेंसिटिव है, वो इनसेंसिटिव है। और हम जब असली मुद्दे उठाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता, ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता। 2022 मैं बताता हूँ, जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम में 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामने हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह से बसा हुआ है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की इसी सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अगस्त में विशेषज्ञों के उपग्रह बताते हैं पीएलए की सतह से हवा में मरने करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत भूटान और चीन में बीच ट्राई जंक्शन सीमा क्षेत्र में मार्च में हो रहे हैं। अधीर जी एक सेकंड, ये पूरी तरह चालू है। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर जी को जो बोलना है वो बोल सकते हैं, सिर्फ सदन का रिकॉर्ड देश और दुनिया के लिए ऑथेंटिक होता है, इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अखबार पढ़कर इतनी बड़ी बात जो देश की सीमाओं के साथ जुड़ी है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सदन में नहीं रखनी। कह चुके हैं सर, आपने शायद सर अमित शाह जी आपने शायद नहीं सुने होंगे, मैंने कह दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई, मैंने कह दिया था, मैं कोई गुमराह करने वाला बात नहीं कहता, मैंने कह दिया था, जिक्र कर दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई। अच्छा, नवंबर में आपका लद्दाख में वांगचुक उपवास करते थे, वो क्या कहे वो भी आप सुन लिया करो। अच्छा, कंचुक चेंजिन तत्कालीन भाजपा शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, क्षेत्र के सर्वोच्च निर्वाचित संस्था, क्या कहना है कि बफर जोन के निर्माण में स्थानीय लोगों की अपने पशुओं के लिए चरागाह भूमि तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है और नहीं जा पाते हैं। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर के स्वयंभू क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ
17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भीड़ गए। सेना जैसे कि बताया गया 300 से अधिक चीनी दल हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक निर्लज्ज डिजाइन के साथ आए, जिसे हमारे सशस्त्र बल की वीरता से सफल पूर्वक खदेड़ दिया था। हमारे सेना की वीरता, हमारी सेना की दृढ़ता या हमारी सेना के लिए हमारे अहंकार, हमारे नाच की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप बताइए खुलकर क्यों नहीं सदन में चर्चा हो रहे हैं? आप एक काम कीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू को किसी ने बताया था कि सेक्रेट सेशन करो, जवाहरलाल नेहरू जवाब में कहा था कोई सेक्रेट सेशन नहीं होगी, हम खुले आम चर्चा करेंगे। ये हिम्मत आप क्यों नहीं दिखा सकते? हमारे पीएम साहब, पीएम मोदी ने 2014 के बाद से 18 बार चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और हमारे बीच सैन्य स्तर की वार्ता की दौड़ 17 बार हो चुके हैं। गलवान के बाद से चीनी आयात हिंदुस्तान में 45% का वृद्धि हुई या नहीं, आप बताओ। गलवान में हमारे 20 जवान अपने आहुति दे चुके, प्राण को आहुति देने के बाद चीनी के साथ हमारे ये कारोबार में इतना बढ़ोतरी कैसे आ रहा है कि 45% वृद्धि होते हैं?